हमें लाइव न्यूज चैनल में देखेंगे आज की हेडलाइंस। दो विदेशी ऑस्ट्रेलियाई सैलानी देखने से शहर में मची अफरा तफरी। कोरोना बीमारी को रोकथाम के लिए पुलिस ने किया लोगों को जागरूक। अब खबरें विस्तार से। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप पर अचानक दो विदेशी ऑस्ट्रेलियाई सैलानी देखने से शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के चलते पुलिस ने दोनों को प्राथमिक जांच के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने दोनों सैलानियों को कोरोना वायरस से नेगेटिव पाए जाने पर वापस भेज दिया। कोरोना वायरस को लेकर समूचे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं विदेशी सैलानियों को देखते ही लोगों में कोरोना का भय दिखाई देने लगता है। आज ऐसा ही मामला महोबा शहर कोतवाली के आला चौक पर देखने को मिला, जहां बीते 4 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया से भारत दौरे पर एलिस और रोनिका आज खजुराहो के बाद महोबा पहुंचे थे। एलिस और रोनिका को खुलेआम सड़कों पर देखते ही लोगों ने कोरोना संक्रमण के भय के चलते पुलिस को सूचित किया। डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार के बाद दोनों सैलानी चिकित्सकों का धन्यवाद करते नजर आए। With the hospital, we went to see 5 doctors. They examined our full body, but we were tested negative, so we are fully healthy. Yes, thank you. Where are you from? It's private. जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएन चौरसिया एवं प्रवीण सिंह रजावत एसडीओपी जतारा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे कोरोना वायरस से बचाव अभियान के अंतर्गत बमोरी कला थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने अपने अमले के साथ पूरे थाना क्षेत्र में मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। क्षेत्र की जनता को समझाइश देते हुए कहा कि साबुन से हाथ धोएं, खांसी आ रही है तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। यदि किसी में वायरस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत थाने में सूचना दें। मास्क मदिरा का उपयोग न करें। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, सभी को सजगता जरूरी है। वायरस फैलने से कैसे रोके? कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें। कोरोना वायरस के खतरों को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक व मुंह ढकें, सर्दी और फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें, पूरी तरह से पका हुआ मांस व अंडा ही खाएं, हो सके तो पूर्णतः शाकाहारी रहें, जीव जंगली व पालतू पशुओं से दूर रहें। कोरोना वायरस हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते या सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें, इसके बाद हाथ धो लें, बिना हाथ धोए अपनी मुंह आंखें नाक व मुंह को न छुए, खतरे और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें, जो बीमारी है उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें, जो बीमार हो उनके संपर्क में बिल्कुल ना आए। कोरोना वायरस से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, समस्त ग्रामवासी बमोरी कला को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस को ग्राम बमोरी कला में कतई प्रवेश न दें, उसके बचाव के पूर्ण साधन स्वयं उपयोग करें, समस्त स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थाएं आदि सभी बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस के उत्पात से समस्त शासकीय संस्थाएं स्कूल कॉलेज बोर्ड परीक्षाएं इत्यादि निरस्त कर दी गई। हमारे एसपी साहब द्वारा निर्देशित किया गया है जो भी कोरोना से संबंधित सुरक्षा के उपाय हैं इनकी जो कम्प्लेट है वो चौराहों पर लगाई जाए, ग्रामीणों को बताया जाए, लोग अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा ना हो, कोई संक्रमित है तो डॉक्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण नंबर है फ़ोन नंबर से उन पर चर्चा की जाए, और इस संबंध में जो पुलिस के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है अपने मोबाइल के द्वारा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ की जनता जो है उनको बताया जा रहा है कि आप इससे रोकथाम के उपाय अपनाएँ, जो भी है हाथ धोने सैनिटाइजर से यूज करें, मुंह में मास्क पहने और भीड़ वाले इलाकों में न जाए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस संबंध में भी 22 तारीख को सुबह 7 से 9 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की हिदायत दी गई है,
हम अपने अधिकारियों का जो आदेश है उनका साक्षर पालन करेंगे और लोगों की स्वस्थ रहे इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जनता को मतलब क्या क्या निर्देश दिए आप मतलब हमारे द्वारा जनता को निर्देश दिए कि आप मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, अधिक मात्रा में इकट्ठे ना हों और जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो साबुन से हाथ धोएं, अच्छे तौलिए का इस्तेमाल करें, जो सैनिटाइज़र है वो तो उसका इस्तेमाल करें